भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने आज करनाल के लघु सचिवालय के प्रणांग में प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। बाद में मजदूरों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाया। मजदूरों ने कहा कि भवन निर्माण के असंगठित मजदूरों के लिए कोरोना महामारी से भारी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूर नेताओं ने कहा कि 24 से 30 जुलाई तक पूरे हरियाणा सहित पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ कोरोना महामारी के समय प्रभावित हुए मजदूरों की मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें भवन निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक मजदूर, शुगर मिल के मजदूर व अन्य क्षेत्रों के ठेके व दिहाड़ी मजदूर करने वालों की मांगों व समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा मजदूरों के हितों में कोई खासा कार्य नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों के आगे राशन सामग्री व अन्य समस्याएं खड़ी हो गई है। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की है कि मजदूरों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि वह भी अपना जीवन तनाव रहित होकर व्यतीत कर सके। यहां आपको बताते चले कि मजदूरों ने लघु सचिवालय के प्रणांग में मजदूर एकता जिंदाबाद, देश भर के मजदूर एक हों, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही मजदूर नेताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाकर मौजूद मजदूरों में जोश का संचार किया। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज यहां पर इकट्ठा हो, हमारा केंद्र के अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने जो निर्णय लिया पूरे देश में 24 तारीख से लेकर 30 जुलाई तक कर्मचारियों का, मजदूरों का, अन्य अन्य डिपार्टमेंटों का जो भी इनकी मांगे हैं पूरे देश में, आज जो हरियाणा में हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, वो भवन निर्माण का असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, कोई ठेकेदारी प्रथा का जो मजदूर है, उसकी जो मांगे इस महामारी के दौरान इधर उधर मामला हुआ और ये मजदूर सड़कों पे भटकता फिरा, उसकी भरपाई के लिए कुछ मजदूरों को लाभ हुआ और कुछ मजदूर को वो लाभ नहीं पहुंच पाया, तो इसके लिए ये मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी, आज भवन निर्माण का मजदूर, टूरिज्म में जो भी है, ई रिक्शा का मजदूर, मेडिकल का, शुगर मिल का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे मजदूर है, उन सब के लिए आज ये मांग पत्र हम केंद्र सरकार को माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे। सर, किन तरह की मांगे, किन तरह की परेशानी को सामना करना पड़ेंगे? मांगे भाई, एकदम लॉकडाउन की स्थिति में जब मजदूर आया, इंडस्ट्री मालिकों ने इस मजदूर के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, ना कहते बहुत देते हैं, और हमने तो यहाँ कॉन्फ्रेंसिंग भी सुनी है, माननीय DC महोदय भी कह देता है बैठ कर, भाई POCW से ये दिया जा रहा है। हम रिकॉर्ड मांगना चाहते हैं माननीय DC महोदय से भी, भाई पिछले 1-1.5 साल में कितने मजदूरों को POCW का ये लाभ मिला है, किसी के पास से लिस्ट? हम ये चाहते हैं। नाम क्या आपका? हमारा नाम श्यामलाल है, भवन एवं सह निर्माण कामगार संघ हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट, जिला करनाल का दायित्व देखता हूँ, प्रधान हूँ, और भारतीय मजदूर संघ जिला का सेक्रेटरी हूँ। टीका लिया न रहने के लिए, और ये मजदूर ऐसी स्थिति में डर के मारे, जब उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो ये डर गया और सड़कों पे उतर आया। वो 3-3 हज़ार किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर वो पैदल जब चला, उसकी व्यवस्था सही तरीके से ना केंद्र सरकार कर पाई और ना हरियाणा सरकार कर पाई। तो आज आप किससे मिलने आए? हम माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, इसमें हम मांग पत्र है, जो हमारी मांगे है वो हम भेजेंगे, हरियाणा सरकार को भेजेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे। क्या मुख्य मांगे आपकी? वही मुख्य मांगे जो मजदूर को खाने का, राशन का जो व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई राशन कार्ड की बात हो रही है, अरे राशन कार्ड है, कितने लोगों को, कितने मजदूरों को लाभ मिला है, क्या इस सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है? भवन निर्माण के मजदूरों का,
हमारा विशेष मांग है। हमने 2018 में 20 फरवरी को 20,000 मजदूरों का जो आंदोलन करनाल के अंदर किया था, लाखों मजदूर, करीब 11 लाख मजदूर हरियाणा के अंदर हैं, जो रजिस्ट्रेशन है BOCW के अंदर, जो बोर्ड हरियाणा सरकार ने बढ़ाया हुआ, और उसमें 3,500 करोड़ रुपया वो बेनिफिट देने के लिए पड़ा है, लेकिन उसको कोई छेड़ नहीं रहा। सिर्फ एक चीज हमारे साथ सेंटर ट्रेड यूनियन बोर्ड के अनुसार रखी थी भी, जो 90 दिन का प्रमाण पत्र जो देगी ये यूनियन जिम्मेदारी लेगी कि हाँ ये मजदूर काम करता है। लेकिन ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.